लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि अगर सब माया है तो छत से कूद के दिखा। इसी तरह के प्रश्न और आते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। इसी प्रकार से लोग पूछते हैं कि सब कुछ इल्यूजन है तो जीने का मतलब क्या है। तो इन सब बातों पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये समझिए कि मेंटल मास्टरबेशन करने का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं और जो बुनियादी इच्छाएं हैं, पहले आप उन्हें प्राप्त कर लें, ठीक है। उसके बाद आप मेंटल मास्टरबेशन करें कि पुनर्जन्म होता है क्या, रीइनकार्नेशन होता है क्या, खुदा कौन से आसमान पे है, क्या खुदा किसी आसमान पे है कि खुदा हर जगह है, हाँ, और हम कहां से आए थे, और अगर सब माया है तो छत से कूद के दिखा। ये सब मेंटल मास्टरबेशन है, पहली बात। इसका कुछ फायदा नहीं है। दूसरी बात ये कि जो भी थ्योरीज मैंने दी हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्वांटम एक्टिविज्म, माया, विष्णु, ये कोई ऐसा नहीं कि गांजा मार के बकचोदी कर दी बस, जो मन में आया मुंह खोला और फक से बोल दिया। इट हैज अ डेफिनेट पर्पस। इसका एक पर्पस है, इसका एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि यह आपके बुनियादी जीवन की जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकता हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, सबको दूर करने में मदद करती है ये थ्योरीज। तो जब आपको मैंने ऐसा कहा कि ये यूनिवर्स है और यूनिवर्स का ऐसा बिहेवियर होता है, ये सेल्फ अवेयर फीडबैक ड्रिवन मैकेनिज्म है, ये अपने आप को एक्सपीरियंस करता रहता है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट अपर्चर्स बाय एज्यूमिंग क्रिएटिवली डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मेंटल मास्टरबेशन मैंने कर दिया, मैंने यहां से कर दिया और वहां से आपने सुन लिया, आपको मजा आ गया और आपने कर दिया, वाह वाह वाह। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट हैज अ पर्पस। तो जब हम कहते हैं कि ये सब माया है, तो इसका फायदा क्या है, समझना इस चीज को। माया का मतलब है कि जो भी नजर आ रहा है, जो सुनाई में आ रहा है, जो फील हो रहा है, जो हवा फील हो रही है, जो टेम्परेचर फील हो रहा है, जो इच्छाएं हमारे अंदर जन्म ले रही हैं, द प्लेजर्स दैट वी सीक एंड वी गेट इंडल्ज इनटू, आवर मेमोरीज, आवर रिलेशनशिप्स, आवर गोल्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस, आवर इनसिक्योरिटीज, आवर रिलेटिव इमेजेस, मेरी अपने बारे में, मेरी अपनी माँ के बारे में, मेरी नरेंद्र मोदी के बारे में, वॉट एवर इट इज, जो भी हिस्ट्री है, जो भी होगा, एवरीथिंग दैट हैज बीन दैट इज देयर इज एन इल्यूजन। ये है नहीं, लेकिन ये प्रतीत होता है। तो ये जो इल्यूजन है, ये जो माया है, और इस माया का स्वामी कौन है? इस माया का स्वामी है विष्णु। अब इस थ्योरी का मतलब क्या है, इस थ्योरी का उद्देश्य क्या है, इस थ्योरी का फायदा क्या है? इस थ्योरी का फायदा ये है दैट आई कैन कंसीडर ईच एंड एवरी थिंग इन माई लाइफ टू बी प्लास्टिक एंड नॉन परमानेंट। एवरीथिंग इज मोल्डेबल। अब वो कौन सी चीज कितना मोल्डेबल है, ये निर्भर करता है कि मैंने अपने विष्णुत्व को, अपने विष्णुशिप को कितना क्लेम किया है। मतलब पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि भैया मैं विष्णु हूं और ये समस्त ब्रह्मांड मेरी सेवा करने के लिए है, ये जो एक तथ्य दे दिया है, एक तथाकथित फैक्ट दे दिया है, इसको क्वांटम मैकेनिकली, न्यूरोप्लास्टिकली, पहली बात तो अपने तर्क के आधार पर कैसे समझ लिया है, और ये समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो कह सकते हैं कि मेरे तथाकथित समर्थक हैं या फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर इज नॉट द राइट वर्ड, बट स्टिल ये जो थ्योरी को फॉलो करने वाले लोग हैं, मैं भी इस थ्योरी को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, इनकी जो संख्या ही बहुत ही न्यूनतम है और मुझे रखनी भी है। मतलब आई डू नॉट वॉन्ट करोड्स एंड करोड्स ऑफ पीपल इन सुपीरियर सोसाइटी। ये बहुत ही ज्यादा एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। ये इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट किसी मोहम्मद के फॉलोवर को मारोगे तो वो आपको पत्थर उठा के मारेगा।
ये इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट आप किसी दयानंद के फॉलोवर को मारोगे तो वो आपको कुछ फिर हमला करेगा, ये कॉन्सेप्ट आप किसी गुरु नानक के फॉलोवर को मारोगे तो फिर वो हथियार लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी ना किसी के फॉलोवर को मारोगे आप तो वो आपके ऊपर हिंसा करेगा, गलिया आएगा आपको, क्योंकि इन लोगों के अंदर बुद्धि कम है। हा? और ये कोई बहुत बुरी बात नहीं, उनके अंदर बुद्धि कम है तो भी क्या, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो सब कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी है, दैट वर्क्स फॉर देम, ला इला इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलल्लाह, दैट वर्क्स फॉर देम, प्लीज अंडरस्टैंड। शिव नित्य है, शिव ही सर्वत्र है, ये दैट वर्क्स फॉर देम, है ना, जो बोले सो निहाल, वो उनके दैट वर्क्स फॉर देम, है ना। तो वो सोसाइटी का जो मेजर बैंड है इस दुनिया में, जो मैक्सिमम लोग हैं वो बहुत ही लो कॉन्शियसनेस के लोग हैं, बट न्यूरोप्लास्टिसिटी तो उनकी भी चलती है, है ना। नमाज अदा करेंगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, एंड दे विल आस्क फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम सम हाइपोथेटिकल एनर्जी विच इज ऑल परवेडिंग, विच इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इफ यू कनेक्ट विद दैट। तो वो ऐसे कर लो कि वैसे कर लो। तो क्या है कि बेसिकली जो जो भी सो कॉल्ड पैगंबर आए हैं या फिर मोटिवेशन स्पीकर आए हैं, धर्मगुरु आए हैं, सबने एक नई नई तरीके से अपनी सेम बात को, सब सयाने एक मत, प्लीज अंडरस्टैंड, सबने एक बात को अलग अलग डायरेक्शन से कहने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन अलग अलग वर्ग होते हैं जिनको पुरानी कही हुई बातों को सुनकर प्रैक्टिस करके उसको होल्ड करके, जैसे मैंने अपनी इन थ्योरीज को जो मैं दे रहा हूँ सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ईबुक के जरिए और अपने स्पीचेस के जरिए जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ, आई हैव बीन होल्डिंग देम फॉर इयर्स, तो ये मेरा नशा है, एंड इट गिव्स मी पावर, इट गिव्स मी द इनसाइट, सब कुछ ऊपर से डाउनलोड होता है, बिकॉज आई होल्ड दिस बिलीफ, सो दिस बिलीफ इज द पावर। तो ये जो विष्णु माया वाली थ्योरी है, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल थ्योरी है। इस इंटेलेक्चुअल थ्योरी को आपको पहली बात तो लॉजिकल लेवल पर क्वांटम मैकेनिकली न्यूरोप्लास्टिकली समझना होगा, तर्क के स्तर पर समझना होगा, और फिर जब तर्क के स्तर पर आप इसे कन्विंस हो जाएं, तब आपको इसको होल्ड करना होगा सुबह से लेकर शाम तक, प्रतिदिन जहां देखें आपको प्रकृति नजर आए और आप स्वयं को विष्णु मान के चलें, तब जाके धीरे धीरे ये जो माया है ये आपके वश में आना शुरू होती है, धीरे धीरे धीरे। मुझे यही तो कॉन्फिडेंस आ गया था 2016 में, प्लीज अंडरस्टैंड, इसी कॉन्फिडेंस तर्क के आधार पर आ गया था मुझे कॉन्फिडेंस, और छोटे छोटे मुझे अनुभव भी थे कि 2005 से लेकर जिस सुपीरियरिटी के रास्ते पर मैं चल रहा था, मुझे कोई क्लैरिटी थी नहीं, मेरा कोई गुरु था नहीं, लेकिन 2016 में सभी रिवेलेशन होने शुरू हुए मेरे ऊपर, तो मुझे समझ में आया है कि यार मैं तो विष्णु हूं, एंड दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द माया विच इज सपोज टू सर्व मी। तो अगर ये फैक्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, तो अब मैंने कुछ नहीं करना भाई, इस माया ने सर्व करना पड़ेगा मुझे, ये माया ही मुझे ज्ञान देगी, ये माया ही मेरे पास मोबाइल फोन बनकर आएगी, ये माया ही मेरे पास माइक बनकर आएगी, ये माया ही मेरे पास इंटरनेट बनकर आएगी, ये माया ही मेरे पास ये शब्द बनकर आएगी, ये माया ही वीडियो बनकर रिकॉर्ड हो जाएगी, ये माया ही देख लेगी, ये माया ही पेमेंट कर देगी, ये माया ही मेरे सब्सक्राइबर्स बन जाएगी, ये माया ही मेरी ईबुक बन जाएगी, ये मेरे बायर्स बन जाएगी, यही नोट बन जाएगी, यही फिर नोट से जो भी कुछ होने वाला है, इस एक क्रांति आने वाली क्रांति बन जाएगी, मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, एवरीथिंग हैज टू हैपन ऑन इट्स ओन, मैंने तो बस कमांड देना है और याद रखना है दैट अहम विष्णु, अहम ब्रह्म अपि अस्मि, बट ब्रह्म की जो थ्योरी है उसमें मुझे इतना मजा नहीं आता, क्योंकि वो जो फोटो आपने देखी होगी मेरे चैनल पर, जो मैंने एक चैनल का ट्रेलर लगा रखा है जिसमें सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ईबुक का वो है रिव्यू है, आई एम सॉरी, जिसमें सब न्यूरोप्लास्टिसिटी ईबुक लॉन्च है, उस पर जो फोटो देखेंगे ना विष्णु की, वो विष्णु की फोटो बड़ी क्रांतिकारी है, That gives me power, मतलब कि जो भी कुछ है ये एक संसार है और ऐसे अनंत संसार है चारों तरफ, मैंने बस चूज करने मात्र की दे रही है, बस एक कमांड देना है, वो एक ऑथेंटिसिटी बहन जो एक कॉन्ग्रुएंसी होनी मांगती है, वो कॉन्ग्रुएंसी मेरे अंदर आ गई थी, वो ऑथेंटिसिटी आ गई थी मेरे अंदर, कि मैंने किसी की नौकरी नहीं करनी, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, मैंने किसी की सुननी नहीं है, काम होगा तो नीति के हिसाब से होगा, प्रकृति के हिसाब से होगा, समाज के हिसाब से नहीं होगा, और मीडियोक्रिटी के हिसाब से तो कतई ना होगा, और गुलामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना मैं किसी गुलामी करूंगा, ना इस समाज में गुलाम रहने दूंगा, ये सब लॉजिकली मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे, इसलिए मैं अड़ गया था कि या तो ये जो विष्णु माया वाला कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, या तो ये 100% करेक्ट है,
या ये 100% फॉल्स है, बीच का तो कुछ है ही नहीं ना, या तो ये है या फिर नहीं है। अगर ये है तो मैंने दुनिया जीत लेनी है जिस तरीके से मैं जी रहा हूं 3 साल से, उसी तरीके से। और अगर ये गलत है, अगर ये मेरा हेल्यूजिनेशन है, मैं अगर वास्तव में किसी मानसिक रोग का शिकार हूं, तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लोग पत्थर मार के मुझे मार देंगे, मैं किसी पागलखाने में जाके सड़ जाऊंगा, तो मृत्यु कबूल है मुझे, लेकिन इस दुनिया में आकर इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीना मैंने ना पसंद करनी भैया। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव दिस फकिंग लाइफ फुल ऑफ मीडियोक्रिटी एंड स्लेवरी। मैंने जो बोल दिया वो मला पाइजेत, ये थे मला पाइजेत, मेरे को चाहिए वो। और मैंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी थी, बस छोटी मोटी चीजें तो मांगी थी मैंने यार, कि अगर मैं कभी भी दिल्ली घूमने का मन करे तो दिल्ली चला जाऊं, कभी मेरा मन करे तो बॉम्बे चला जाऊं, कभी चीन चला जाऊं, कभी जापान चला जाऊं, पूरे साल के 365 दिन मुझे 100% ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने का मौका मिले, फ्रूट जूसेस पीने का मौका मिले, हैं कुछ क्वालिटी इंट्रैक्शन में कर सकूं, हां आई शुड बी सराउंडेड बाय हाई क्वालिटी ब्यूटीफुल एंड इंटेलेक्चुअल वुमेन। इज इट टू मच टू वेंचर फकिंग आस्क फॉर, इज इट टू मच टू आस्क फॉर, है मैंने कौन सा चंद्रमा मांग लिया पूरा का पूरा, है ये छोटी सी छोटी मोटी मेरी इच्छाएं थी, है? उनको पूरा करने में रोका है इस शिक्षा व्यवस्था ने, इस समाज ने, इस रॉसचाइल्ड की बैंकिंग ने, इस तंत्र ने, और इस तंत्र ने मुझे मेरी शक्तियों से दूर रखा है। मेरी शक्ति क्या है? मेरी शक्ति तो ये है वास्तव में, जो बोले सो निहाल, एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट इन माई लाइफ, जिस पर मैं हाथ रख दू, जिस पर मैं उंगली रख दू, वो मेरी हो जानी चाहिए वहीं के वहीं। लेकिन अभी भी मैं पूर्णतः उस स्थिति में नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मेरे को पता है 3 साल के अंदर फ्लेवर आने लगा है कि मैं गलत नहीं था, मैं सही था, और आज आपके सामने हूं। जो भी कुछ हो रहा है, तो आपको ये समझना है कि जो भी आपकी सिचुएशन है, जो आपकी फैमिली कंडीशन है, जो आपका लाइफ का अकेलापन है, जो आपकी गरीबी है, व्हाटएवर, जस्ट नेम इट, व्हाटएवर सिचुएशन यू आर इनटू, दैट इज प्लास्टिक इन नेचर। तो अगर आप ये माया का प्लास्टिक नेचर लॉजिकली समझ लें और इस बिलीव को होल्ड करके रखें फॉर ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, तो आप धीरे धीरे अपनी विष्णुत्व को क्लेम करने लगेंगे, विष्णु शिप को क्लेम करने लगेंगे। और जैसे जैसे आप विष्णु शिप को क्लेम करने लगेंगे, अपने अंदर के विष्णु को आप रियलाइज करने लगेंगे, वैसे वैसे ये माया धीरे धीरे आकर आपके चरणों में गिरने लगेगी, आपकी सेवा करने लगेगी, इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लव एंड सेक्स एंड इन्फ्लुएंस एंड इंटेलिजेंस एंड फकिंग क्रिएटिविटी एंड इनसाइट एंड इंट्यूशन बैंच। गेटिंग माय पॉइंट? तो चूतिया पे मारने की जरूरत नहीं है कि माया है तो छत से कूद के दिखाऊं। जवाब मेरे पास हर एक चीज का है, प्लीज अंडरस्टैंड। माया है तो छत से मैं कूद के दिखाऊंगा नहीं, जवाब मेरे पास हर एक चीज का है। बाय द वे, इसका जवाब ये है कि माया तो है और छत से कूदूंगा तो मैं गिरूंगा तो सही, चोट भी लगेगी और दर्द भी होगा, खून भी बहेगा और बहुत पीड़ा होगी, बट मैंने अपने विष्णुत्व को उस स्तर तक अभी तक रियलाइज नहीं किया है, उस स्तर तक अभी तक क्लेम नहीं किया है, तो मैं उसकी दिशा में हूं। अगर मैं जिस दिन क्लेम कर जाऊंगा उस दिन कूद भी जाऊंगा और दर्द भी होगा और पीड़ा भी होगी, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आई विल बी सो मच सेपरेट फ्रॉम माई पेन, प्लीज अंडरस्टैंड। तो अभी मैं उतना सेपरेशन क्रिएट नहीं कर पाया हूं। गलती किसकी है? गलती भैया माता पिता की है, शिक्षकों की है, समाज की, अखबार की, सरकार की है, कि 28-29 सालों तक मुझे अपनी शक्तियों से दूर रखा गया है, 28-29 सालों तक मुझे एक मीडियोक्रिटी के लिए प्रोग्राम किया गया है ना भैया, ये तो 3 साल पहले मुझे पता चला। तो 28 सालों तक जो मीडियोक्रिटी के न्यूरॉन्स बिल्ट किए गए, जो एनस्लेवमेंट के न्यूरॉन्स बिल्ट किए गए मेरे ब्रेन में, उन्हें तोड़ने में कुछ तो वक्त लगेगा ना भैया, तो वक्त लग रहा है अभी। अब मुझे पता नहीं मेरे अंदर वो विष्णुत्व, असली विष्णुत्व कब आ जाए, वो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, 4 साल बाद आ जाए, 5 साल बाद आ जाए, I don't give a fuck, आएगा तब आ जाएगा, और जब आ जाएगा तब मैंने बिल्डिंग से छलांग मार देनी है। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जवाब है उस प्रश्न का कि माया है तो बिल्डिंग से क्यों नहीं कूद जाता।
और बाकी के जो प्रश्न है वो आप क्वांटम एक्टिविज्म के लेक्चर्स देखेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ईबुक को पढ़ेंगे, मात्र 100 पन्नों की जो ईबुक है उसको पढ़ेंगे तो आपके और प्रश्न क्लियर होंगे। जब आप सिनेमा में जाते हैं तो वहां पर अमिताभ बच्चन दिखता है, होता नहीं, वहां पर शाहरुख खान होता है, दिखता है लेकिन होता नहीं, वहां पर शाहरुख खान दिखता है, महसूस होता है लेकिन होता नहीं। आवाज आती है लता मंगेशकर की, ये हम आ गए हैं कहां, आवाज आती है, कोई गा नहीं रहा होता है वहां पर, कितना बड़ा इल्यूजन है, बट यू स्टिल एंजॉय इट। वो जानते हुए भी कि एवरीथिंग इज एन इल्यूजन दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड द रूम, और ये जानते हुए भी कि अगर आप कुछ दो मिनट के लिए बाहर सूसू करने गए तो डायलॉग निकल जाएगा, या कोई फेवरेट गाना आपका निकल जाएगा, या कोई क्लाइमेक्स निकल जाएगा, ये सब जानने के बावजूद भी कि अंदर तो कुछ है ही नहीं, यू स्टिल एंजॉय द शो, यू स्टिल एंजॉय द प्ले, यू स्टिल एंजॉय द फकिंग लीला। तो ये सब जानते हुए भी कि ये सब लीला है, ये सब माया है, एक इल्यूजन है, यू कैन स्टिल एंजॉय इट, बट ओनली विद एन एब्सोल्यूट डिटैचमेंट, पूर्ण मोक्ष की स्थिति में रहकर ही, क्योंकि आपने देखा फिल्म में आपके हीरो को गोली लग गई और आप वहीं पर ही बिखर गए, मतलब आप इतना ज्यादा अटैच हो गए उस फिल्म से तो यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय इट, आप बह गए उसी के अंदर ही। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कीप योरसेल्फ सेपरेट फ्रॉम दिस इल्यूजन, बिकॉज यू आर नॉट द डूअर, यू आर ओनली द वॉचर, द इंजॉयर, यू आर द चूजर, कि मैंने ये फिल्म देख ली, बहुत हो गई मीडियोक्रिटी, बहुत कर ली जॉब, बहुत मैंने रख ली मीडियोकर बंदियां, अब मैंने एक साम्राज्य की स्थापना करनी है, इस साम्राज्य में मेरी ही विचारधारा के दोस्त होंगे, मेरी ही विचारधारा की स्त्रियां होंगी, पैसा स्वतः आएगा, और जब मैं सोसाइटी में वैल्यू एडिशन करूंगा, रियल फकिंग वैल्यू एडिशन करूंगा, तब जाकर स्वतः आएगा, नीति से आएगा। मैंने एक एग्जांपल सेट कर देना भाई साहब कि नीति से और ईमानदारी से भी आप अमीर बन सकते हैं, तो क्या हुआ आज तक किसी ने एग्जांपल सेट किया हो ना किया हो, मां चुदाए बहन चुदना किया हो, आई एम गोइंग टू सेट इट, समझ रहे हैं? तो पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट एवरीथिंग इज माया, वो आपको ऐसे बोलते हैं अबे यार ही बिजनेस नहीं चलता, अरे तेको पता है लोग क्या बोलेंगे, अरे मेरे बाप ने भी ऐसा किया था, उसका भी कटा था, अरे वो दिल्ली वाली मौसी है ना, उसने भी ऐसा किया था, कटा था। तो ये रिजिडिटी है कि भाई वहां पर ऐसा हुआ था तो फिर ऐसा करोगे तो वैसे ही होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द मीडियोकर सोसाइटी डज नॉट बिलीव इन टू द प्लास्टिक नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस, इज अंडरस्टैंड, कि मेरे बाप ने किया था उसका भी कटा था तो तुम करोगे तो तुम्हारा भी कटेगा, मेरे चाचा ने इस रास्ते को चुना था उसका कटा तो तुम भी इस रास्ते पर चलोगे तुम्हारा भी कटेगा। तो जब आप भी समझ लेंगे कि आप विष्णु हैं एंड दिस माया इज मेंट टू फकिंग सर्व यू, देन यू विल बिकम एन एब्सोल्यूटली फियरलेस मैन, एब्सोल्यूटली फियरलेस मैन। और जब आप एक फियरलेस मैन बन जाते हैं और वुमेन बन जाते हैं, तब आपके अंदर आती है ऑथेंटिसिटी, करेज, कॉन्ग्रुएंसी, कि मुझे ये चाहिए तो दे, मला पाहिजेत येथे पाहिजेत, अहम एतत इच्छामि अहम तत इच्छामि, समझ पा रहे हैं आप? तो ये कोई इंटेलेक्चुअल बकचोदी नहीं है, इट इज वेरी मच रेलेवेंट टू योर लाइफ, ये तो कदम कदम पर आ जाती है। जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, बड़ा ही स्टूपिड सा उदाहरण है बट उसके अंदर फिलोसॉफी समझिएगा। ये जो गया समर है उसके पिछले के समर की बात है, मैं अजमेर में था तो मम्मी बोलती थी कि पाइप से पीछे हमारे गार्डन है तो पौधों को पानी लगा दे, तो मैं पानी लगा देता था पाइप से। अब जब पाइप को वापस रोल करने की बारी आती थी ना तो पाइप साला ना बेंट मार जाता था, बेंट मारे जा रहा है और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यार एक तो मुझे वो काम पकड़ा दिया, ऊपर से ये इसको बेंट मैं कर रहा हूं तो ये ऐसे बेंट हो रहा है, और जब मैं इसको जबरदस्ती रोल कर रहा हूं तो एट बन जा रहा है, इन्फिनिटी टाइप बन जा रहा है। तो मेरी मम्मी देख रही है, मेरी मम्मी बोल रही है इसको ठीक से कर, मैंने तो आप करके दिखा दो,
तो मम्मी ने करके दिखाया, मम्मी ने ऐसे उसको तो बार बार उसका बल खोला और उसको रोल किया और बार बार खोला बल, तो मुझे रियलाइजेशन हुआ अभी तो माया है, हर चीज में माया है भैया, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट बना रहे हो माया है, आपने किताब लिखनी माया है, आपने घर बनाना ही माया है। एवरी टाइम कोई बड़े ही बेसिकली जो कारपेंटर कुछ लकड़ी किया कुछ कारनामे कर रहा है तो वो माया को बेंड कर रहा है ठटेरा। मैं यहाँ पर चौराहे पर जाता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि चौराहे पर ये जो सिगड़ी बना रहे हैं कुछ लोहे को पीट पीट के कुछ कर रहे हैं तो मुझे याद आ जाता है बेसिकली विष्णु ये माया के साथ प्ले कर रहा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये विष्णु है जो माया के साथ प्ले कर रहा है। मैं तो बड़ा ही ऑब्सेस्ड हूँ ना इस कॉन्सेप्ट से भाई, मेरी थ्योरी से सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड आदमी तो मैं ही हूँ। इफ आई डू नॉट यूज इट, इफ आई डू नॉट बिलीव इन टू इट, हु विल बिलीव इन टू इट, हु विल बाय माई थ्योरीज एंड हु विल प्रैक्टिस दैट। तो वो जो पाइप था ना, मुझे अभी आप समझिए, अगर मुझे वो रियलाइजेशन नहीं होता तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता, मैं उसको ऐसे बार बार गुस्से में करता, साला हो नहीं रहा, साला हो नहीं रहा, नहीं उसको होना तो पड़ेगा, मुझे उस एटीट्यूड से करना है, मेरा रवैया ये होना चाहिए कि भैया मैं इसको सहजता से करूंगा, प्रेम पूर्वक करूंगा और इवेंचुअली इट हैज टू सरेंडर। प्लीज अंडरस्टैंड, फकिंग माया हैज टू सरेंडर टू मी। मैंने बस ये करना है कि मैंने अपना सेंटर नहीं खोना है। अब ये सेंटर क्या होता है, सेंटर के लिए बेसिकली ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ माई लाइफ नाम से एक वीडियो है और उसके साथ में वर्तमान के साथ मेरे प्रयोग नाम से भी एक वीडियो है, जो मैं ज्यादा से ज्यादा सुपीरियर्स को जो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए, उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको उसे देख। तक आप अपना सेंटर नहीं पहचानेंगे और सेंटर पर रहने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सेंटर पर ही आनंदित नहीं हो जाएंगे, तब तक ये माया आपको सर्व नहीं करने वाली, प्लीज अंडरस्टैंड। और जब तक आपको माया सर्व नहीं करेगी, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई समस्या होगी, आपकी जिंदगी में या तो स्वास्थ्य की समस्या होगी, या परिवार के क्लेश की समस्या होगी, कि पैसे की समस्या होगी, या टीवी की समस्या होगी, कि बीवी की समस्या होगी, कि लड़की की समस्या होगी, कि लड़के की समस्या होगी, कि नौकरी की समस्या होगी, किसी ना किसी प्रकार की समस्या होगी। सो द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, यू नीड टू रेज योर आईब्रोज दैट इट्स द माया विच इज नॉट सर्विंग यू प्रॉपरली बिकॉज यू हैव नॉट रियलाइज योर फकिंग विष्णु शिव भाई साहब। क्या समझे? तो और मैंने क्या कहना है, बस 20 मिनट से ऊपर हो गए, मैं तो क्या बोलते जाऊंगा, मेरा क्या है? बट आई होप बाय नाउ यू गॉट माय होल पॉइंट, बिकॉज सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है।